जमीयत उलमा ए हिंद के 9 सितंबर को हुए प्रांतीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों में पश्चिमी राजस्थान से हजरत मौलवी रहमतुल्लाह कासमी को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल वहाब मलार को प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया। शनिवार को बाप पहुंचे नव निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष हजरत मौलवी रहमतुल्लाह कासमी तथा प्रदेश सचिव अब्दुल वहाब का यहां मदरसा इस्लामिया इहिया उल उलूम स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में कस्बा सहित फलोदी से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदेश उपाध्यक्ष कासमी का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष कासमी ने राष्ट्रीय संगठन जमीयत उलमा ए हिंद की सेवा एवं जनहित के कार्यों पर प्रकाश डाला। फलोदी प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी, वरिष्ठ शिक्षाविद मौलवी रईसुद्दीन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कूप सिंह पातावत ने भी कासमी को बधाई देते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। जयपुर से बाप आते समय फतेहपुर, बीकानेर, दियात्रा, रानेरी, खिदरत में भी स्वागत हुआ। कार्यक्रम में इस्लामदीन मेहर, वरिष्ठ नेता पूर्व सरपंच सम्मू खां, गुलाम रसूल मेहर, सतार खां बैंकी, मोहम्मद आलम खान, हाजी रहीम खां देगावड़ी, जमालुद्दीन अंदासर, अब्दुल अजीज, मनोज पुरोहित, नंदकिशोर तवर, गणपत भाट, जमालुद्दीन चारनाई, घटोर सरपंच हाजी यारू खां, सरपंच इलामुद्दीन मियांकोरिया, शमसुद्दीन देगावड़ी, बाप उप सरपंच गोपाल भटर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।